स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट मेरा हिंदी, उसमें हमारा जो तीसरा चैप्टर है अंतरिक्ष परिसंहिता विलियम। इस पाठ के जो लेखिका हमारी है वो है डॉक्टर कोकिला पारिक। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि डॉक्टर कोकिला पारिक कौन थी। डॉक्टर कोकिला पारिक जो थी उनका जन्म सन 1954 में वासत गांव में जो जिला है गांधीनगर हमारा गुजरात में हुआ था। उनका जो अभ्यास है वो अभ्यास है एमए एमफिल और पीएचडी उन्होंने की थी। उनको बहुत लेखन कार्य में इंटरेस्ट था, जैसे कि वो गुजराती हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी वो कौन से पद पर है इनके बारे में मैं बताऊं। अभी वो गुजरात विद्यापीठ जो हमारी अहमदाबाद में है तो उसी जगह पे वो रीडर के पद पर कार्यरत है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आज के ये अंतरिक्ष परिसंहिता विलियम्स जिनके बारे में हमारी डॉक्टर कोकिला पारिक जो लेखिका है, देखो तो सही जो हमारी पाठ में बताया गया है एक महिला के बारे में हमें बताया गया है और इस महिला के बारे में जो बताने हमें जा रही है वो भी एक लेखिका यानी कि एक महिला ही एक महिला का हमें परिचय दे रही है। प्रस्तुत पाठ में हमें जानकारी ये मिली है कि महिलाएं जो है वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर जगह पे पुरुष लोग पुरुष वर्ग जो है जिस तरह से वो काम कर रहा है उसी तरह से ये महिलाएं भी आज के जमाने में उसके बराबर ही चल रही है। ये काम महिलाएं तो नहीं कर सकती, ऐसा एक जमाना था वहां पे बोला जाता था। पहले के जमाने में आप लोगों को एक बात बताऊं कि महिला अगर कोई लड़की है तो उसमें स्कूल में भी भेजा नहीं जाता था, बताया जाता था कि एक लड़की है, लड़की का जन्म हुआ है तो घर का चूल्हा चौका ही तक रहेगी, आगे वो कुछ भी काम नहीं करेगी। लेकिन इस पाठ के माध्यम से हमें कोकिला पारिक हमें ये भी बताती है कि मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा होती है उसकी सीमा का कोई पार नहीं होता। मन में हमने सोच लिया ये करने का भी हम एक ठान लेती है, उसकी दृष्टि आज हम देखते हैं मनुष्य की दृष्टि कहाँ पे गई है तो आकाश की ओर गई है और उसी आकाश की ओर जाते वक्त ये बताया गया है कि अंतरिक्ष के जो रहस्य है ये जानने की भी जो इच्छा हुई है वो किसे हुई है, पुरुष को तो हुई है और मर्द तो काम कर ही रहा है लेकिन स्त्री को भी महिला को भी इसके लिए इच्छा हुई है कि अंतरिक्ष में ऐसा क्या हो रहा है। आज हम देखते हैं कि युवक अंतरिक्ष यात्री करने के लिए गए। इस पाठ में भारतीय मूल जो है हमारी सुनीता विलियम नागरिक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा करने के बारे में हमें बताया गया है। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो है ही तो हम उसके शब्दार्थ जो है वो लोग नोटबुक में लिखेंगे, साथ ही में जो मुहावरे आते हैं उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे ताकि हम जब भी वाक्यों में प्रयोग करें तो हमें ये मुहावरा है ये समझ में आ सके। तो शुरुआत करते हमारा जो पाठ है अंतरिक्ष परिसंहिता विलियम के बारे में। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिक यार्ड पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उत्तेजना उसका मतलब होता है आवेश हुआ था। 2007 में अमेरिका से अहमदाबाद के हवाई अड्डे पे जो पहला विमान आ पहुंचा था उसके बारे में हमें बात बताई है। उसमें कौन था चलो देखते हैं। उसमें था गुजरात का शान, शान यानी कि गौरव।
भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। 20 सितंबर 2007 में जिस हवाई में बैठकर पहली बार हमारे गुजरात में जो आई थी वो थी हमारी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज भी हर महिलाएं हम देखते हैं कि पुरुषों की बराबरी में चल रही है। उन्हीं में से हमारी एक प्यारी सी जो लाड़की थी, अंतरिक्ष यात्री जो थी, वो थी सुनीता विलियम। सुनीता विलियम्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने वाली क्षमता आज की नारी में है। अब हमारा एक वर्ड आया है, अस्तित्व को साकार रूप देना। हमारी जो हस्ती है उस हस्ती को आकार देने वाला, उसे बताया गया है अस्तित्व को साकार रूप देना। ये जो था वो हमारा एक मुहावरा था, क्षमता यानी कि शक्ति। आप में अगर शक्ति है तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन शक्ति किसमें होती है? जो कर लेने की मन में ठान लेता है उसके बारे में मैं बताया है। और वो करने की जो ताकत थी वो एक नारी में दिखाई गई है, और वो है सुनीता विलियम्स। अब मैं आपको बताऊं कि युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व, अस्तित्व यानी कि हस्ती, अंतरिक्ष। अब मैं आपको बताती हूँ कि अंतरिक्ष यानी कि क्या है? बोला गया है ना, अंतरिक्ष यानी कि अवकाश। अवकाश में हम चीज का परीक्षण करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसे बताया गया है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का जो ज्ञान लिया था वो है हमारी सुनीता विलियम्स। देखते हैं कि उसने कैसा कार्य किया है। भारतीय महिला में उसकी बराबरी हमें याद है, पहली जो नारी थी वो कौन थी? कल्पना चावला। अवकाश पे वो पहली बार गई थी। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है महिलाओं में तो वो है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी कि होता है सम्मान, तो वही प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई भी है। उसने मन में ठाना था, उस काम को उसने साकार में करके दिखाया है। हमारे देश में हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की जो थी वो है कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। अब ये भी कई कई बार हमें सवाल एग्जाम में आते हैं, जब परीक्षा में हमें पूछा जाता है तो हमें ये नाम याद ही नहीं रहता कि कल्पना चावला जो थी वो प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिलाओं की थी। हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है सुनीता विलियम्स, लेकिन हम इस नाम को ज्यादा याद रखते हैं। लेकिन ये कभी भी विकल्प है, कोई छोटा प्रश्न है उसमें हमारा ये प्रश्न आता ही है कि पहली भारत की अवकाश यात्री करने वाली कौन थी, या फिर खाली जगह में भी ये सवाल आता है तो हमें क्या लिखना है? सुनीता विलियम्स नहीं, क्या लिखेंगे हम? कल्पना चावला। ओके, ये मगज में आप लोगों को फिट करके रखना है कि पहली अवकाश यात्री करने वाली जो कोई भी थी वो कौन थी? कल्पना चावला। ओके, अब हम आगे देखते हैं। कल्पना चावला तो थी, लेकिन हमारे राकेश शर्मा भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। राकेश शर्मा जो थे वो भी एक अवकाश यात्री थे, उन्होंने भी अवकाश में जाके बहुत बड़ा काम किया हुआ है। लेकिन अभी हमें इस पाठ में ना राकेश शर्मा की बात करनी है ना कल्पना चावला की बात करनी, इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत सी सारी शोध भी की है, लेकिन हमें सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, दुख की बात ये है, यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी यानी कि ऊंचाई को छूकर हमारी कल्पना
बन गई। कभी कभी हम मन में कुछ ठान लेते हैं और ठानने के बाद हम प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन कभी मजबूरी आ जाती है, कभी कमार हमारा हौसला जो होता है वो खत्म हो जाता है। जो बात हमने पकड़ के रखी थी, जो काम हमने करना था, वो काम हम कर नहीं सकते। इसीलिए बताया गया है कि जो कल्पना हमारी थी वो कल्पना ही ये रह गई। तो कैसे हमारी ये कल्पना रह गई? क्योंकि उसकी जान चली गई थी। अब आगे हम बता दो, कल्पना के सपनों को और खुद दिवा सपन यानी कि हम सपने कब देखते हैं? रात में, है ना? दिन में कभी सपने देखे आपने? नहीं। लेकिन हमारी सुनीता विलियम्स ने दिन में सपने देखे हैं। दिवा सपन यानी कि दिन में देखने वाला एक हमारा स्वप्न। उस स्वप्न को उसने क्या किया? लक्ष्य बनाया। लक्ष्य यानी कि हम कह सकते हैं कि ठान लेना, इसी मुद्दे पर हमें काम करना ही है। ऐसा सुनीता विलियम्स ने ठान लिया और उस मुकाम तक वो जा पहुंची। मुकाम यानी कि उस मंजिल तक वो जा पहुंचे। अब हमें देखना है कि हमारी भारतीय मूल की जो सुनीता विलियम्स है, उसके बारे में हम जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ। तो उसमें हम देखते हैं कि उसे उनके पीछे जो नाम लगा है सुनीता विलियम्स, है ना? तो सुनीता विलियम्स लगता है तो भारतीय, तो ये गुजराती कैसे? सुनीता विलियम का जो नाम हमें विलियम्स लगता है, भारतीय या वो गुजराती कैसे है? तो हमारे मन में एक प्रश्न ये तो उठता ही है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका जो मूल यानी कि जड़ बताया गया है गुजरात से जुड़ा है। उनके जो पिताजी थे दीपक भाई पंड्या का जन्म जो था वो गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में ही बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर उन्होंने 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। अब इस बात को हम ध्यान से देखेंगे। इस पाठ में मैं आप लोगों को एक बात बता दी, बहुत सारे साल आते हैं, बहुत सारे भी आते हैं, दिनांक यानी कि तारीख भी आती है, डेट उसे हम बोलते हैं, ये सब बहुत नंबर भी बहुत सारे हैं। तो इस अंकों को हमें ध्यान से पढ़ना है, हमारी टेक्स्ट बुक में ध्यान से पढ़ना, आप लोग जैसे मैं बोलती हूँ उसे याद भी रखना, क्योंकि बहुत सारे अंकों इसमें दिए गए हैं, ताकि हम गलती से भी कि अंकों का कोई भी अंक हो तो यहाँ से उधर लिखने में ना हो जाए। तो बताया गया है कि 1960 में उनके जो पिताजी थे दीपक भाई पंड्या कहाँ पे गए? अमेरिका में गए। वे एक मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य बताया गया है। तो वहां के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जक थे। न्यूरोसर्जक यानी कि मस्तिष्क के वो सर्जक करने वाले, मस्तिष्क का सर्जन करने वाले को बताया गया है न्यूरोसर्जन। आप अपनी नोटबुक में एक खास लिख के रखें। उन्होंने उस बाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उस बाइन के जय, दीना, सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। ये इनका माता और पिता का परिचय बताया। अब हमें देखना है सुनीता विलियम्स का जन्म और उनका बचपन कैसे था, उसके बारे में आगे हमें बताया गया है। हमारे जैसे जैसे सवाल भी आएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती भी रहूंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हमें जो बताने वाले हैं उसमें बताया गया है सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ पे हुआ है
और उनके बचपन की जो बातें हैं उसके बारे में हमें बताई गई है। तो चलो हम देखते हैं। सुनीता विलियम का जन्म जो हुआ था 19 दिसंबर 1965 को ओहो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसी कृतियां उभर सकी। मुक्त यानी कि खुले वातावरण में वो रहती थी और सुनीता बचपन से ही किसमें ज्यादा उसे इंटरेस्ट यानी कि उसे किसमें ज्यादा रुचि थी इसके बारे में अब हमें बताया गया है। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़घोड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। सुनीता विलियम कौन से खेलों में भाग लेती थी या उसे बचपन में किस बात में रुचि थी, ये सवाल जब आता है तब हमें ये बात बतानी है। आगे हम देखते हैं, वो एक मेहनती थी, जरा भी आलसी नहीं थी, कोई भी काम हो वो करने के लिए तैयार थी, मेहनत करने यानी कि परिश्रम करने वाली थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा। ये जब सुनीता विलियम 6 साल की थी, उसे प्रेरणा मिली है। किससे प्रेरणा मिली है? तो नील आर्मस्ट्रांग से उसे ये प्रेरणा मिली। जब वो 6 साल की थी, उसने पहली बार नील आर्मस्ट्रांग को धरती पे आते हुए देखा। तब उन्होंने मन में ही निश्चित कर लिया कि मुझे कुछ ऐसा ही करके दिखाना है। नील आर्मस्ट्रांग वो भी एक अंतरिक्ष यात्री था। उन्होंने पहली बार जब वो 6 साल की थी, समझो तो कितनी वो छोटी है, और छोटी उम्रों में उन्हें ये मन में ठान लिया कि मुझे ये जो काम कर रहा है ना वही मुझे काम करना है। हम तो सोच भी नहीं सकते आगे आप लोग क्या बनने वाले हो। अगर कोई आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे? हमें 10वीं की एग्जाम देनी है, 12वीं की एग्जाम देनी है, उसके बाद हमारा जो परिणाम आएगा उसके बाद हम निश्चय करेंगे कि हमें क्या बनना है। लेकिन सुनीता विलियम्स जो थी वो सिर्फ 6 साल की थी। कितनी? 6 साल की थी। और तब उसने मन में ठान लिया कि मुझे भी अवकाश यात्री बनना है। उसने ये प्रेरणा जो मिली थी वो प्रेरणा किससे मिली थी? नील आर्मस्ट्रांग से। अब हम देखते हैं सुनीता विलियम्स की पढ़ाई यानी कि शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मेजासुर टेस्ट में हुई, यूनाइटेड टेस्ट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक यानी कि कक्षा 12 के बाद हमारे जो कॉलेज के 3 साल होते हैं उसे कहा जाता है स्नातक। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक यानी कि कॉलेज के 3 साल बाद जो पढ़ाई की जाती है उसे बताया गया है। इससे पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइस ऑफिसर का पद उन्हें मिला था। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज वो बन गई। सुनीता को यूनाइटेड टेस्ट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया यानी कि चुनना, उसे चुना गया था। ये एक हमारा मुहावरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पायलट बनने की सीढ़ी को प्रथम कदम माना गया। जब उसे पहली बार चुना गया तब ये मन में सोचने लगी कि जो मेरी सिद्धि थी, उनकी सिद्धि क्या थी? अंतरिक्ष यात्री बनने की। तो अब जो उसे पहली सिद्धि मिली
तब उन्होंने ये समझा कि ये मेरा पहला कदम है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र उन्हें इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारी और नासा में वो सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। कार्यरत यानी कि जो कार्य करते हैं उसी में हमें व्यस्त रहना। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, दूसरे प्रयास में उसे चुना गया। दुनिया में हजारों में वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री जो है वो केवल 100 है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो पायलट है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि सुनीता विलियम्स जो एक सुनीता पंड्या थी, ओके, तो सुनीता पंड्या से वो सुनीता विलियम्स कैसे हुई उसके बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ। एग्जाम में हमें ये सवाल आता है, सुनीता पंड्या से कैसे सुनीता विलियम्स हुई, तो उसके बारे में हम बताएंगे। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी यानी कि उसके पास पढ़ने वाला उसे कहा जाता है, यानी कि सहपाठी जो हमारे साथ अभ्यास करता है उसे बताया गया। तो वो जो स्वाध्यायी था वो कौन था? माइकल विलियम्स। अब ये माइकल विलियम्स के साथ शादी की और सुनीता पंड्या ने सुनीता विलियम्स बन गई। हम कई बार एग्जाम में भी हमारे पाठ्य पुस्तक में ये भी एक सवाल है, सुनीता पंड्या से विलियम्स कैसे हुई, तो हम आसानी से ये जवाब लिख सकते हैं कि सुनीता ने माइकल से शादी की है, माइकल विलियम्स से। माइकल विलियम्स के साथ शादी करने के बाद वो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि को साथ दिया, जो उसने मन में ठाना था, उसका जो स्वप्न था वो स्वप्न पूरा करने के लिए माइकल ने भी उन्होंने बहुत साथ दिया। आगे हम देखते हैं, सुनीता को अंतरिक्ष परी बना कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत, यानी कि प्रेरणा स्रोत ये भी हमारे एक मुहावरा है, उसका मतलब होता है प्रेरणा देने वाला। प्रेरणा उसे मिलती थी, वो मिलती थी कल्पना चावला से। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्री जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत और सांस ली थी। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करने में उन्हें बेहद यानी सुखद अनुभव हुआ, बेहद अत्यंत अनुभव हुआ। हम दोनों की रुचि यानी कि दिलचस्पी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता है, एक सूत्र में पिरोना, यानी कि ये भी हमारा एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है सबको एक साथ बंधे रखना। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद यानी कि अत्यंत लगाव था यानी कि दिलचस्पी थी। कल्पना से मुझे कुछ सीखने को मिला, सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला से भी बहुत कुछ रुचि जो उनमें थी वो भी सीखी कि कैसे कोई भी काम करना है तो किस तरह से किया जाता है। आगे हम देखते हैं, जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया यानी कि चुना गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। एक विशेष प्रकार की शिक्षा वहाँ पे दी जाती है। वहाँ पे कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है, वहाँ पे रह के जो हमारी जिंदगी है वो एक सरल नहीं है,
खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन ही कठिन होता है। वहां से लौटना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। शुरुआत जब होती आरंभ में बताया गया है, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। दिक्कत यानी कि परेशानी। हम देखते अंतरिक्ष यात्री में भी चलना ये कोई आसान काम नहीं होता है। जैसे जमीन पे हम आसानी से चल सकते हैं, वहां पे खड़ा रहना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल से हम खड़े रह सकते हैं। हम देखेंगे कि जब हम अंतरिक्ष यात्री पे होते हैं, वहां पे हम जब काम करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से विभाग में हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी दुर्बलता दिखने को मिलती है। बताया गया है कि हमारे शरीर की अंदर की जो हड्डियां होती है ना, वो पहले कमजोर हो जाती है। दिमाग को भी तैयार करने के लिए बहुत सारा समय लगता है, तब हम वहां पे काम कर सकते हैं। किसी ने कोई सवाल किया, हम तुरंत सोचने के लिए हमारा दिमाग तैयार होता है, उसके लिए हम सोचते हैं। लेकिन उस जगह पे कोई सोचना भी है तो हमारा जो दिमाग होता है वो तैयार नहीं होता है। अब बताया गया है कि सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण को लेकर तैयार तो किया है, वहां की जो शिक्षा है उसके लिए वो तैयार तो थे ही, लेकिन साथ ही में उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान से रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिस जगह पे वो जाने वाली थी वहां का पहले से ही उन्होंने एक अभ्यास करके रखा था। मजबूती हमारे शरीर को अंदर से पहले ही होती है। अगर कोई बोले कि यहाँ पे जाके तैरना है, तो हम कैसे पहले उसके प्रशिक्षण करते हैं, यानी कि वहां पे खड्डा है, कितना गहरा है, हम अगर अभ्यास करते हैं ना, तो उस अभ्यास के माध्यम से जो हमारे पे संकट आने वाला है, कैसा वो माहौल है, ये हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो काम कर रहे उसमें आसानी से हम कर सकते हैं। उसी मुताबिक सुनीता विलियम ने भी पहले से ही जानकारी ली थी कि कैसे वहां पे जो काम करना है किस तरह से करेंगे। आगे हमें बताया है कि उनके गोताखोरी यानी कि बताया गया है गहरे समुद्र के अंदर डुबकी लगाने का अनुभव, होने वाली भारहीनता से पेशवॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलना, पेशवॉक अंतरिक्ष में चलना, ये भी उन्होंने एक प्रशिक्षण लिया था। अंतरिक्ष यात्रा के बाद संदर्भ में हमें बताया गया है कि बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में उन्होंने जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयारी उन्होंने की थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर रही। कितने दिन सुनीता विलियम्स पानी के अंदर रही थी? 9 दिन के लिए। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करनी थी वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए 8 साल पूरे उन्होंने लगा ले। अब हम देखेंगे कि अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर क्या हुआ। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता जो थी वो स्पेस स्टेशन पर पहुंची। ये भी एक आईएमपी हमारा सवाल है कि सुनीता विलियम कब स्पेस स्टेशन पर पहुंची। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें भी ये सवाल है कि सुनीता विलियम कब वो स्पेस स्टेशन पे पहुंची। तो हम अभी जो आप लोगों को बताया वो लिख सकते हैं।
17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे कितने बताए, देखना जरा ध्यान से, 27,444 किलोमीटर की थी। ये अड्डा जो है वो प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। आगे बताओ, इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री वो बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफर करने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई वो कौन थी, हमारी सुनीता विलियम्स। अब सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे 53 लुसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने अभी पहले आपको बताया था इस पार्ट में बहुत सारे अंक हैं जो हमें याद रखने हैं। तकरीबन हमें सारे जवाब आते हैं, लेकिन ये अंकों की मारामारी में हम पूरा जवाब तो लिखते ही है, अगर गड़बड़ हो जाती है तो अंक का नंबर अगर कोई गलत लिख दिया हमारा उत्तर है वो रॉन्ग हो जाता है, गलत साबित होता है। जब सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, वहां अगर आप लोग व्यायाम नहीं करते हैं तो वहां पे टिक नहीं पाते। ताकि अगर आप लोग व्यायाम करते हैं तो क्या फायदा है, बताया है मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। फिर बताया गया है कि रोज जो डिब्बा बंद भोजन हम आराम से खाते हैं वहां पे वो हम खा नहीं पा सकते हैं। भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म हो जाती है, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति से समस्या होती है। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया है। ये भी हमारा एक IMP सवाल होता है कि सुनीता ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तब ये सारे जो बातें हम बता सकते हैं। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक वो पहुंची थी। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया के अलग नजरिए से देखने का मौका, यह एक अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए, अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों ये विवादों में उलझे रहते हैं। इस बारे में सुनीता विलियम्स ने हमें बताया है। अब बताती है कि नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि
यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। ये हमें जो बात बताई है ये क्या बात, कौन सी बात थी? अंतरिक्ष से पृथ्वी का जो दृश्य है उसके बारे में हमें सुनीता विलियम ने बताया है कि ये जो विश्व है सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। हम देखते हैं कि जब पृथ्वी पे होते तो हम यहाँ पे ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा इसका, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगर जब ऊपर से हम देखते हैं तो कहीं पे भी बंटवारा किसी को दिखाई नहीं देता है। यहाँ सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। ये दृश्य जो है वो बहुत ही मनोहर है, मनोहर यानी कि सुंदर। अब हम देखेंगे कि सुनीता विलियम्स की कार्य जो कर रही थी उसमें उसकी वापसी कब हुई? ओके, तो 19 जून 2007 को पेस सकल अटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। कितने लोग सुनीता विलियम के साथ आए थे? 7 अंतरिक्ष यात्री। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन और 18 घंटे 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता वापसी 22 जून 2007 को कहां पे आई थी? हमारी पहली लाइन थी अहमदाबाद, अहमदाबाद को वो वापस आई थी। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से ही भारतीयों और गुजरातियों का जो सर था वो गर्व से ऊंचा हुआ था। गर्व से ऊंचा होना यानी कि सर ऊंचा होना, ये हमारा एक मुहावरा दिया गया है, सर ऊंचा होना, उसे ही बताया गया है गर्व से ऊंचा होना। हम कह सकते हैं कि यदि नारी का सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा, तभी तो हमारा इतना नाम आगे बढ़ सकता है। इस लेखिका ने डॉक्टर कोकिला पारेख ने हमें जो सुनीता विलियम के बारे में इस पाठ में जो बताया है, कम जानकारी के साथ बहुत सारा हमें उसका कार्य और उसके बारे में जो विशेषताएं बताई गई है बहुत ही अद्भुत बताई गई है। छोटे से ही माध्यम से हमें पता चल गया कि उन्होंने कितना सारा काम किया है। हम सब भी ऐसे जो भी हमारे मन में जो हमारा सपना हो उस सपने को साकार करने के लिए कुछ मन में अगर निश्चय करेंगे, सुनीता विलियम एक 6 साल की बेटी ने मन में ठान लिया था कि मुझे ये काम करना ही है और उसने ये करके दिखाया है। ये पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि आज भी महिलाएं के अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, वो बहुत ही पावरफुल है और वो कर सकती है। आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आप इसका शब्दार्थ और स्वाध्याय मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये वीडियो को अगर ध्यान से देखा है तो किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसके आंसर लिख सकते हो। वंदे मातरम, अस्तु।